तो जी आज बच्चे आए हमारे पास। फटाफट ये पीले वाला बच्चा है ना, ये कहता है गिलहरी मिली है। कहाँ मिली है गिलहरी? गुड मॉर्निंग यूट्यूब, आज दिन थोड़ा अच्छा लग रहा है। पेपर होने वाला है 9:30 बजे, अभी 9 बजे हैं। बाहर हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई है। ओहो, तुम्हें तो सब कुछ वाइट दिख रहा होगा, बट एनीवेज तो समझाओ बाहर धूप निकल रही है। वरना सुबह उठ के जनरली मैं ये कहता हूँ कि ओहो आज कितनी ठंड है यार, आज तो उठने का मन नहीं कर रहा। उठना मेरे को 8 बजे था, उठा मैं 8:20 पे बिकॉज ठंड लग रही थी। तो पता नहीं तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, बट अलार्म बजा, मैंने जल्दी से अलार्म बंद किया और मैं घुस गया बेड में। पता नहीं क्या हाल है मेरा, अभी खोल लेते हैं लैपटॉप वगैरह ताकि चमन के साथ डिस्कॉर्ड पे बैठ जाए। और भाई जी की हाल चाल जी? जी यो पंजाबी क्यों छुट्टी आ? पर भाई तू तो रो क्यों रहा? रो नहीं रहा। करा दिया मैंने अभी 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 डायरेक्ट डिस्कॉर्ड ओपन किया, तेरा स्टेटस ऑफलाइन से ऑनलाइन में मेरे को बस कॉल आने वाले थे। स्मार्ट बॉय। गरमा गरम परांठी लाई जा रही है नाश्ते के लिए। एक इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी पेपर वगैरह हो ना पेट भर के दिया करो, आराम से खा पी के। ये नहीं कि खाली पेट चल गए जल्दबाजी में। पेट भरने का टाइम भाई हमेशा निकालना चाहिए। तो जी पेपर में रह गए कुछ 1 मिनट 46 45 44 सेकेंड्स एंड चमन जी भी डिस्कॉर्ड पे हैं। और थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा सेकेंड लास्ट पेपर है। इसके बाद लास्ट है वो एक दिन बाद है, मतलब कल 23rd है, 24th को पेपर है फिर, वो भी अकाउंट्स का। उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज पहले भी पढ़े बट और पढ़ना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस ज़्यादा है। तो जी ये हाल है DU का, 504 गेटवे टाइम आउट आ गया है, साइट और सर्वर क्रैश कर गए हैं, नहीं खुल रही, सरकारी काम। मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें पता ही होता है अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है, तो हर पेज पे तो नहीं, मैं तो एक ही पेज पे लिखता हूँ और हर PDF में उससे पहले वो पेज लगा देता हूँ। कई लोग होते हैं मान जो हर पेज पे लिखते हैं। क्विक अपडेट, पहला क्वेश्चन हम करने लगे हैं और उसका आंसर हमें मिल गया, फिर देते रहेंगे तुम्हें अपडेट कब खत्म हो रहा है। दो घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं और अभी मेरा सिर्फ पहला क्वेश्चन हुआ है। पहले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 4 पेज लिखे हैं। पहली बार ऐसा पेपर में हुआ है कि इतना टाइम लग गया एक क्वेश्चन को, बिकॉज वो ढूंढना पड़ा। थोड़ी प्राउड फीलिंग है बिकॉज पूरी क्लास को नहीं मिल रहा था, हमने ढूंढ लिया, बट स्टिल वो टाइम वेस्ट हो गया। अब आए हैं क्वेश्चन 5-6 पेजेस के सारे हैं, जल्दी से लिखने पड़ेंगे, 2 घंटे रह गए हैं। और कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी और बीच में लाइट भी चली गई थी, बड़ा कुछ हो गया बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं लिख रहा था, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ पता है। मिलते हैं दोबारा। सीन ये है कि 128 हो गया है एंड एक पेज हम नहीं लिख पाए हैं एक लास्ट क्वेश्चन का, बहुत लंबा था, चांस नहीं ले सकता था कि मैं वो पेज लिखूं और बाद में स्कैन करूं। तो मैंने स्कैन करके सबमिट करा दिया है, बस प्रीव्यू कर रहा हूं। तो लास्ट के 2 मिनट थे तो मैंने सोचा यही चीज़ रिकॉर्ड कर लें। इस बार थोड़ी सर्च वगैरह लंबी थी, मम्मी कहते हैं तभी कहती हूँ पहले पढ़ लो। अरे यार केस स्टडी को पहले कैसे पढ़ सकते हो, उसको क्रैक करने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। पता नहीं तुम लोग कैसे करते हो, कितना किया होगा, जो देख रहे हैं जिन्होंने DU के पेपर दिए हैं या कोई भी पेपर दिए हैं तुम्हारे कैसे गए होंगे। चलो यार सबमिट कर दें, 129 होने वाले हैं। चमन मैंने सबमिट कर दिया है, हो गया तेरा? हाँ हो गया, हम दोनों का लास्ट रह गया। राइटिंग देंगे वो तुम लोग, मतलब कीड़े मार दिए हैं राइटिंग में बिल्कुल, मतलब दूर से दिखने में अच्छी लगती है कर्सिव कर्सिव जैसी एकदम सी, बट जब पढ़ने पे आओगे ना, खासकर जब स्कैंड PDF पढ़ोगे भर डालो तो यार वैसे यार। ओए चमन वैसे ना मतलब वो इतना नहीं था कि लंबे पेजेस थे, पर तूने टाइम लगवा दिया बस ज्यादा। पेपर लिखने के दौरान मुझे एक आवाज आई, समर्थ भैया समर्थ भैया।
मैंने पूछा भाई कौन आ गया, तो देखा बाहर बच्चे खड़े हुए थे, कह रहे थे हमें एक गिलहरी मिली है। अब देखो पेपर के बीच में तो मैं उठ के जा नहीं सकता था, तो उनको मैंने बताया कि भाई 1:30 बजे के बाद आना। 1:30 बजते ही वो बच्चे फिर से घर के बाहर आए, तो उसके बाद ये हुआ। तो जी आज बच्चे आए हमारे पास, ये पीले वाला बच्चा है ना, ये कहता है गिलहरी मिली है। कहाँ मिली है गिलहरी? क्या हो गया? अरे कैमरे में हाथ रखना ऐसे। अच्छा चलो और क्या, असली में बन रही है वीडियो? अच्छा ना, हम झूठ क्या रहे हो, पेपर कर रहे हो? नहीं नहीं असली में अभी मेरा पेपर खत्म हुआ है। फटाफट भाग के चलो। कहाँ भाग के जाना है? मेरे सामने भाग में बच बार बार भाग के चलो। चलो भागो। भाग भाग आ गया, भाग तेज भाग। आपको मजाक लग रहा है? मेरे को कोई मजाक नहीं लग रहा, मैं तो भाग ही रहा हूँ। पहली चीज बच्चों ने पूछी गिलहरी मिली है तो हम क्या करें उसका, मैंने कहा धूप में गत्ते में रख दो, अब हम भी देख रहे हैं। ये किसको मिली है? नहीं नहीं मतलब आप में से किसको मिली है? हम सबको मिली है। मैंने मैंने ही उधर देखी थी। कहाँ थी ये? पहले मैंने और सिद्धि ने देखी थी रोड। कहाँ थी ये? रोड पे कौवा खा रहा था, फिर कौवा को बैठा दिया। फिर मोस्ट प्रोबेबली इसको क्रो उठा के लेके गया खाने के लिए, और इसको इसको पानी में डुबो के मार रहा होगा वो। हमने इसको पानी डाला तभी। नहीं नहीं इसको पानी आपने डाला है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं नहीं पानी नहीं डालना होता, कभी भी पानी नहीं डालना है ऐसे कोई जानवर मिले आपको तो। बांग झपकाई, अभी खोल के रख। ये सांस सांस ले रही है, ये सांस नहीं ले रही, अब ये ना मर रही है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा वेटरनेरियन के पास ले जाओ ना। नहीं हो सकता ना, वेटरनेरियन भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अब ये बचना ही मुश्किल है इसका, जीना मुश्किल है। कौवे ने इसको मारा है काफी, ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जा सकता कुछ। आपने चोट से किया है ना? जाओ इसको लेके अपने घर के पास रख देते हैं, अपने कबूतरों वाले एरिया में। इसको ले आए यहाँ पे, बस अब तक इसको कोई जानवर उठा के लेंगे, इसको इसलिए हम दरवाजे के पीछे रख देंगे। ऑलमोस्ट मर चुकी है मुझे लगता है। आई एग्री, तुम में से काफ़ी लोगों को ये सब देख के काफ़ी गंदा लगा होगा कि ग्रोस है ये सब, क्या दिख रहा है, या काफ़ियों को दुख हुआ होगा, बट एक्चुअली मैं जानबूझ के मैंने ये दिखाया था कि तुम में से काफ़ी लोगों में ये जागरूकता आए एंड तुम्हें ये पता चले कि नेचर कैसे वर्क करती है। एज ह्यूमंस मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी ऐसे जानवर हैं या मे बी प्लांट्स हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम जब वो इंजर्ड हैं या जब वो बीमार हैं तब उनकी हेल्प कर सकें, एंड जब वो डेथ के क्लोज हैं तो उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। ये मैं तुम में इमोशंस डालना चाहता हूँ एज व्यूअर्स। तो जहाँ तक इन बच्चों की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इन्होंने एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई किया, चाहे इनसे थोड़ी गलतियाँ हुई, इन्होंने पानी डाल दिया एंड मे बी उससे उस स्क्विरल को परेशानी हुई हो, बट एक्चुअली में उनको ये पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, बट एटलीस्ट उनको ये पता था कि वो अपनी तरफ से कुछ मदद कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, कि लोग ऐसी चीज़ें देखें। एंड चलो यहाँ उन बच्चों को पता था कि मैं हूँ तो उन्होंने मेरे को बुलाया। आप लोगों के एरिया में अगर कोई और है जो ऐसे जानवरों को करते हैं तो प्लीज़ ऐसे किसी भी टाइम में जब आपको नहीं पता क्या करना है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। तो जी बज गए हैं 6 और मैं नहा के अब आया हूँ, माना थोड़ा लेट हो गए हैं बिकॉज पेपर के बाद बच्चों के गिलहरी वगैरह का सीन हो गया, बच्चे आके घर पे शोर शोर मचाने लग गए, उसके बाद नकुल के साथ छत पे चले गए, वहाँ थोड़ा चिलचुल मार लिया, धूप सेक ली। अभी नहा के आते ही नकुल जी का फिर फ़ोन आ रहा है और कह रहे हैं उसके मम्मा को एक कबूतर मिला है जिसके पंख नहीं है, तो चलो वो भी देखें अब जाके। और हाँ एक और चीज़, पेपर वैसे परसों है, एक ही दिन है बीच में तैयारी की, अकाउंट्स है, पर पढ़ने का कोई सीन नहीं लग रहा अपना, बिकॉज जितना पहले किया है वही रिवाइज कर लेंगे और वही काफ़ी हो जाएगा, आगे का सिलेबस करने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, पहली बार हुआ है ज़िंदगी में ऐसा, चलता है। तो जी नकुल के मम्मा के अकॉर्डिंग इसी गली में वो कबूतर है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया आने में बिकॉज मम्मी ने रोक लिया कुछ काम से एंड अब अंधेरा हो गया और ढूंढना थोड़ा सा टफ हो गया। कह तो रहा था कि उसके कोई पंख वगैरह नहीं है, पर हाँ तुम्हें वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब लगेगी बिकॉज मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ लो लाइट में। जी हमारा कैमरा कुछ खास चलता नहीं है, मतलब कुछ मज़ा सा नहीं आएगा तुम्हें, दिखेगा ही नहीं जब, इसलिए फ़ोन जिंदाबाद फ्लैश से। खैर लाइट भी है यहाँ पर कोई कबूतर दिख भी नहीं रहा।
और फोन करके ही पता चलेगा नकुल को, अभी तक तो कोई कबूतर दिखा नहीं यहाँ पे। तो जी फील्ड एक्सपेडिशन नहीं मिला हमें कबूतर, में भी अंधेरे होने के कारण छुप गया होगा। छुपने का रीजन भी है ना उसके पास, बिकॉज ये बिल्लू बिल्लू जो घूमती रहती है पूरी कॉलोनी में, इधर आओ प्यार कराओ बिल्लू बिल्लू, ये बात। तो खैर मे भी अगर हो सके तो कल सुबह एक चक्कर हम फिर मार लेंगे देखने के लिए कि वो कहाँ बैठा है। बैठा हुआ तो उठा लेंगे, कि लोग कह रहे हैं उसके पंख में चोट लगी हुई है, उसका पंख एक नीचे गिरा हुआ है। मेरी एक वीडियो है येलो फुटेड ग्रीन पिजन पे, उसमें मैंने बताया कि वो पंख गिरने का क्या मतलब होता है, एंड देखो कैसा होता है उसका सीन। और एक और चीज़ स्पेशल मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी मेरे को मैसेज आया है इंस्टा पे अपने मतलब एक बंदे का कि वो मेरी वीडियो देखता है एंड उसने स्क्विरल पे भी देखे एंड उसको बहुत अच्छा लगा। ये मैं तुम्हारे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज दिल से अच्छा लगता है जब ऐसे लोग देख के वीडियो, अननोन लोग मैसेज करते हैं, ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ भाई यूट्यूब कुछ तो मेरी वीडियो लोगों को दिखा रहा है। तो यही बताना था, मिलते हैं थोड़ी देर में। बच गए हैं एक एंड आज मुझे थोड़ी नींद आ गई, जो खेलना खोलना था खेल लिया, माइंड थोड़ा लाइट कर लिया, बट नींद अभी भी आई हुई है, पता नहीं मेरी शक्ल फोकस में है कि नहीं। आधे टाइम तो मैं यही देखते जाता हूँ, टाइम आ गया नया कैमरा लेने का जिससे ये फोकस फोकस वाली प्रॉब्लम हट जाए। और अभी भी मेरा दिमाग उस वाली चीज़ पे घूम रहा है कि मेरे को, और एक्चुअली वो 12 दिन नहीं, वो 13 दिन के ब्लॉग बना रहे थे, तो 13 डेज 13 व्लॉग बने गए। तो अभी भी ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है कि क्या मुझे हर दिन का एक व्लॉग निकाल देना चाहिए, आफ्टर शूटिंग एडिटिंग में देख के ये चीज़ पता चलेगी, ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है। और एक चीज़ दिमाग में घूम रही है कि मेरा परसों पेपर है और मेरे पास कल का दिन है, और कल के दिन मैं वो सब कुछ रिवाइज़ करने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किया है, जो कि अकाउंट्स में क्या किया है वो काफ़ी कुछ शायद समझना है, जो BMS वाले उनको आएगी, जो CA वाले उनको भी आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग है कुछ, पढ़ाई का मैटर छोड़। तो बस आज के दिन में इतना ही था, बताओ चले सोने, गुड नाइट। तो जी इसी के साथ करते हैं दिन का अपना लास्ट काम, जो कि होता है पॉजिटिव कमेंट का शाउट आउट देना, क्योंकि तो इस वाली वीडियो के पॉजिटिव कमेंट का शाउट आउट जाता है हर्ष चोरगड़े को, अगर मैं ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। एंड उनका पॉजिटिव कमेंट है बिग फैन भाई। अरे यार मतलब ऐसा कमेंट सुन के ना पहली बारी, मतलब इतने ऐसे शब्द में ऐसा कमेंट आ रहा था, वो सुन के बड़ा अच्छा सा फील हुआ। अब हो सकता है सरकाजम भी हो, तो हम थोड़े बोले बंदे, हमें पता नहीं चलता सरकाजम है कि नहीं है, बट जैसा भी है यार मुझे मज़ा आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे पॉजिटिव कमेंट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, हम भी तुम्हें कमेंट के शाउट आउट देते रहेंगे। तो आप चलते हैं यार, अंटिल देन पीस आउट।